अभी इन दिनों बाहर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है बीमारियों को लेकर कि हर 5 में से 3 इंसान ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डर और भय के अंदर जी रहे हैं। मोस्टली लोगों को कोविड की टेंशन है, काम की टेंशन है और फिर घर की और भी बहुत सारी टेंशन ऐसी है जिनकी वजह से लोग बाग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर आते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डर सा पैदा होता जा रहा है दिमाग के अंदर। बट इस व्याफ में अगर मैं कुछ कहूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो हम रियल टाइम के अंदर जो हम कैप्चर कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, वही हमारे दिमाग के अंदर घूमता रहता है। लाइक एज YouTube के अंदर हम कोई वीडियोस देखते हैं एक से ज़्यादा बारी, तो YouTube भी हमारे को वही सारी चीज़ें बार बार रिकमेंड करता है और फिर वही हम चीज़ें देखते हैं और वही ज़्यादा देख देख के हम उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं और हमारे दिमाग में फिर वही घूमती रहती है। तो यही सीन आजकल कुछ न्यूज़ को लेकर चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज़ बेकार है, न्यूज़ तो बल्कि अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है हमारी और फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है हमारी डेली लाइफ के लिए। बट अभी इन दिनों सीन कुछ ऐसा चल रहा है ना कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा पूरा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं और सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ देखते रहते हैं और एक से ज़्यादा बार किसी चीज़ को देखना एक लॉस का कारण ये बनता है कि हम उस चीज़ को लेकर डिप्रेशन के अंदर आ सकते हैं और फिर वही हमारे दिमाग के ऊपर सवार होकर हम पर हावी हो सकता है। अब ये मैं सोचना कि मैं किसी पुरानी किसी घिसी पिटी मूवी का डायलॉग बोल रहा हूँ, भाई ये हकीकत है बिल्कुल, ये एकदम पता नहीं कितने लोग मेरी बात से एग्री होंगे कि अभी इन दिनों सिर्फ न्यूज़ के अंदर डर ही डर दिखाया जा रहा है और इससे ज़्यादा बाहर की कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा रही। तो वो इतना ज़्यादा स्कैरी म्यूज़िक डाल देते हैं भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक के अंदर कि न्यूज़ रिपोर्टर जब कहते हैं कि भाई दुनिया ख़त्म, तो एक टाइम के लिए तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई वाकई में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और फिर मेरा ये मानना है कि भाई आधी से ज़्यादा बीमारियों का इलाज होता है डर को दूर भगाना, टेंशन कम लेना, और वो हम कैसे कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को जब कोई जो कोई परेशान है उसकी मदद करके या फिर कुछ इंडोर्स गेम खेल के। इंडोर के अंदर ये नहीं कि भाई आप पबजी खेलने लग जाओ और सारा सारा दिन पबजी खेलते रहो, उससे भी भाई बंदा डिप्रेशन के अंदर आ सकता है और काफ़ी सारे बंदे डिप्रेशन के अंदर भी आए हैं। तो पबजी की जगह भाई कुछ लूडो वगैरह खेल लो, कैरम वगैरह खेल लो और फिर वीडियोज़ देख सकते हो आप, कॉमेडी वीडियोज़ देख सकते हो, लोगों को कुछ डराने वाली वीडियो को छोड़कर भाई कुछ हंसाने वाली वीडियो भेजो, कॉमेडी वीडियोज़ भेजो, खुद देखो, अपने घर वालों को दिखाओ और अपने स्टेटस लगाओ। कब तक भाई वो रोने वाले इमोजी आप लगाते रहोगे सैड वगैरह के, भाई एक टाइम आने पर इसका एक ये लॉस रहता है कि लोग बाग आपके वो स्टेटस भी देखना बंद कर देते हैं, वो सिर्फ क्लिक 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 हटाया स्टेटस चलो बाहर में गया, ये देखना बंद कर देते हैं। तो भाई इससे बढ़िया तो कोई कॉमेडी वाली चीज़ लगाओ तो बंदे भी तुम्हारा स्टेटस देखेंगे, क्योंकि हर कोई बंदा फ़ोन इसलिए उठाता है रात के टाइम पे कि ताकि वो अपने पूरे दिन की थकान और अपनी फ्रस्ट्रेशन उस फ़ोन में कुछ अच्छी चीज़ें कुछ कॉमेडी चीज़ें देख के दूर कर सके। और फिर आप वो स्टेटस के अंदर रोने वाले इमोजी लगा दोगे तो वो तो बंदा तो पहले से इतना परेशान है, उसके बाद वो आपके स्टेटस देख के और परेशान हो जाएगा। तो इससे बढ़िया तो कुछ कॉमेडी वाली चीज़ें लगाओ ताकि दूसरा भी हंस सके और आप भी हंस सको, क्योंकि अभी लोगों को ज़रूरत है सपोर्ट की। तो आप लोगों को उनकी सपोर्ट करो, उनका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि अभी सबसे बड़ा पुण्य का काम है भाई किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने का। तो पॉजिटिविटी फैलाओ, अब ये नहीं कि भाई आप कोविड की पॉजिटिविटी फैला दो और बंदों को परेशान कर दो, अच्छी पॉजिटिविटी फैलाओ और लोगों से बातें करो। और अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो सोशल मीडिया के अंदर ऐसी चीज़ें देखो जो आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाए, ऐसी चीज़ों को भाई देखना अवॉइड करो जो आपको डीमोटिवेट करे और फिर आपके मन के अंदर डर पैदा करे या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आपका माइंड बिल्कुल एकदम सैड से बिल्कुल एकदम हट सा जाए। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल ही अभी इग्नोर करो ताकि आपका माइंड बिल्कुल एकदम सैड रह सके। और ज़्यादा न्यूज़ देखना बंद करो, एक टाइम बांध दो भाई पूरे दिन के अंदर कि हाँ दिन के अंदर न्यूज़ देखनी है तो दिन के अंदर देखनी है, रात के टाइम पे सोते वक्त मत देखो, क्योंकि भाई रात के टाइम पे अधिकतर क्या होता है जो हम चीज़ देखते हैं जो कुछ कैप्चर करते हैं वही हमारे चारों तरफ कई बार घूमने लगता है और फिर कुछ भाई ऐसे जिनको सपनों के अंदर भी आ जाता है, कुछ ऐसे नहीं है भाई मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरे भी कई बार सपने के अंदर आ जाता है। तो आज का मेरा यही मोटिव था कि मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें शेयर करूँ ताकि आप अपना माइंड थोड़ा बहुत सैड रख सको, दूसरों को थोड़ा खुश रख सको, लोगों को थोड़ा नेगेटिव बातें बताने से बढ़िया थोड़ी सी कुछ पॉजिटिव बातें बताओ, कुछ अच्छी बातें बताओ। तो बस इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए एंड थैंक्स टू ऑल टी लर्निंग फैमिली, हमारे 500 सब्सक्राइबर क्रॉस हो चुके हैं, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इसी तरह से और भी ज़्यादा सपोर्ट दिखाती रहिए और कर दीजिए जल्दी से फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बी पॉजिटिव एंड बी सेफ।